नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मोटर्सरा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं केशियो सा 78 इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड की। ठीक है, तो इसमें 3 साल की हमको वारंटी देखने को मिलती है, तो इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करके जल्दी से पूरा रिव्यू करेंगे इसका। ये क्या होता है, कैसे इसके बटन काम करते हैं, क्या कुछ है सब कुछ। तो दोस्तों मुझे पता है मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों के मन में ख्याल आता है कभी कभी छुट्टियों में भी हम म्यूजिक सीखें या म्यूजिक में कुछ बजाना सीखें, तो उन भाइयों के लिए ये कीबोर्ड है जो केशियो का 78 ये एकदम परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, एकदम सस्ता है, इसका प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो आखिर हो गई अनबॉक्सिंग, तो अब हम करेंगे इसका फुल रिव्यू। शुरू से लेकर मैं आपको अंत तक बताऊंगा कि क्या क्या बटन किस किस काम में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसके दो स्पीकर दिए हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ कीस है, इसको आपको जिसको म्यूजिक की नॉलेज है उसको पता होगा, ये ब्लैक पर्दा होता है, ये व्हाइट पर्दा होता है, ये ऊंचा स्वर होता है, ये नीचा स्वर होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस तरफ से जल्दी से पहले स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दो पोर्ट दिए हैं, ये है अडेप्टर कनेक्ट करने का और ये है ईयरफोन का। ठीक है, तो जैसे ही सबसे पहले अडेप्टर कनेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं ऑन और वॉल्यूम कर देते हैं फुल। इसके बाद आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर लाइट आ गई है। तो सबसे पहले रिव्यू करेंगे इस तरफ की साइड से। तो रिव्यू करने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें 10 सॉन्ग बैंक दिया हुआ है। ठीक है, इनका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें 3 नंबर वाला ये है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने सभी ने सुना होगा शायद। इसके बाद इसमें है 50 पैटर्न और 100 ट्यून्स, इन सभी का मैं अब आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं इस तरफ का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये कुछ बज रहा है पियानो जैसा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे मेन बटन है ये, पियानो से ये हारमोनियम के अंदर बदल जाता है, जो हारमोनियम होता है ना वो हवा वाला, उसके जैसे आवाज हो जाती है। इसको हम दबाएंगे, अब वैसी आवाज होगी इसकी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको सिंपल बता दूं, ये है सबसे पहले टून का बटन, इसमें 100 ट्यून दी गई है। ठीक है, तो जैसे 1 नंबर पर है ये पियानो, 2 नंबर पे ग्रांड पियानो, 3 नंबर पे वाइब्रोफोन, ऐसा कुछ है। तो जैसे 56 नंबर लगाते हैं 56, ये डिस्प्ले में शो हो रहा है 56, ये करने के बाद अब ऐसे बजेगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ट्राई करते हैं हम, इसमें लगा देते हैं जैसे 42 नंबर लगा देते हैं, डिस्प्ले में आ गया 42 नंबर, टून है ये, 100 ट्यून है इसमें। ठीक है, 1 से लेकर 100 नंबर तक आप लगा सकते हो, अलग अलग ट्यूनिंग बजेगी इसमें। जैसे 42 लगा दी, अब ऐसे बजेगा ये। ठीक है, जैसे कोई और लगाते हैं, ये 13 नंबर लगा दिया। ठीक है, इसमें ऐसे बजेगा। लगा देते हैं 23 लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अभी मेरे कहने का मतलब, ये अभी 100 टूने बजेगी अलग अलग। इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस का बटन दिया है, जैसे 23 नंबर चल रही है, प्लस करेंगे 24 नंबर हो जाएगी। इसके बाद है 2 नंबर पे पैटर्न का बटन। ठीक है, ये दबाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर ये तीर का निशान है जो पैटर्न के सामने आ गया। तो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 50 पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, 50 पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें हम प्ले करते हैं ये वर्ल्ड का पैटर्न प्ले करते हैं। तो वर्ल्ड का पैटर्न है 28 से लेकर 34 तक। इसमें हम टाइप करेंगे, जैसे 28 नंबर लगा दिया डिस्प्ले में, यहाँ पे स्टार्ट का बटन,
यहाँ से वापिस स्टॉप। उसके बाद पॉप बताएंगे, पॉप्स ये है 000 से लेकर 06 तक। यहाँ पे टाइप करेंगे हम 0 और 6 और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट। जैसे पैटर्न का क्या मतलब होता है, पैटर्न से प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है। जैसे पॉप कैसे बजता है, डांस वो वाली टून कैसे बजती है, ये प्रैक्टिस के लिए सब कुछ। इसके बाद आता है सॉन्ग बैंक। सॉन्ग बैंक करने के बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले में आ गया सॉन्ग बैंक के सामने। इसमें मैंने आपको दिखाया था जैसे 10 सॉन्ग बैंक दिए हैं, 3 नंबर पर है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे 0 3, ठीक है। उसके बाद करते हैं स्टार्ट। टाइप करेंगे 02 वापिस स्टार्ट। ठीक है, तो ये 10 सॉन्ग बैंक दिए हुए हैं, इसके अंदर 10 सॉन्ग यानी दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये बटन आपको बता दिया, हारमोनियम से पियानो के अंदर, पियानो से ऑर्गन, ऑर्गन से पियानो के अंदर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं अब इस तरफ का रिव्यू। तो इस तरफ आते ही सबसे पहले डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ बटन है, इनका रिव्यू करेंगे। ये बटन है ढोलक, पेटी, तबला, इनके कुछ बटन है, ये ऐसे बजते हैं। तो इसके बाद ये है ऑन ऑफ का बटन हारमोनियम पियानो का, और ये है वॉल्यूम, कम और ज्यादा हो जाती है, इसे ऑफ हो जाता है, डिस्प्ले की लाइट चली गई, यहाँ से ऑन हो जाता है, ये है वॉल्यूम। ये टेम्पो ये है, जैसे इसमें हमने सॉन्ग बैंक प्ले किया था, पैटर्न प्ले किया था, इसकी जो स्पीड है ना उसको कम ज्यादा करने का, जैसे कम स्पीड में चलेगा इसे फास्ट स्पीड में चलेगा, ठीक है। ये देखो डिस्प्ले में शो हो रहा है 9:10:11, 9:10:11, ठीक है, ये टेम्पो उसका है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, केशियो के कई प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, 778 हो गया, 776, 777, तो उन सभी में बटन सेम होते हैं, उसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह का या डिस्प्ले वगैरह का कुछ फर्क होता है, तो उसके अंदर क्या है, सेम ही चीजें रहती है, सेम ही ट्यूनिंग होती है, सेम पैटर्न होता है, ठीक है। और कुछ भी अगर हारमोनियम या इस केशियो के कुछ प्रोडक्ट से आपको कुछ भी सवाल करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे टेक्निकल मोड्सरा के साथ। सेव बर्ड अवॉइड ड्रग्स। धन्यवाद।